good afternoon students this is your physical education period dear student your chapter number two bones and posture defects is uh, uh, going on in this today uh, i am uh, going to start a new topic that is your posture defect and deformities पोस्टर डिफरेंट डिफॉर्मटीज व बॉडी पार्ट लाइन वी टेंट टू सफ़र फ्राम पोस्टर डिफॉर्मटीज समन पोस्टर डिफॉर्मटीज बिलो ग्लो जब जब हमारे जब कभी हमारी बॉडी किसी गलत पोस्चर में जाती है तो हम एक हमारा जो बॉडी पोस्चर है हमारे वो हम सफ़र करने लगते हैं हमारा बॉडी डिफार्मल्टीज से तो कौन कौन सी डिफर्मलिटीज़ हो सकती हैं हमारे बॉडी में बारे कौन कौन से पोस्टर डिफेक्ट या डिफॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं दैट दिस इज ये ये वो सारी हैं कैफोसिस लॉडोसिस स्कॉलोसिस फ्लैट फुट बो लेगस एंड नी लॉक ये सा, ये सारी डिफॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं सो फर्स्ट वी हैव टू रीड अबाउट द कैफोसिस ओके जो ये जो सारी भी डिफॉर्मल्टीज़ हैं यू के ऑल दिस रिक्वायर मेडिकल डायग्नोसिस एंड कैन बी ट्रीटेड विद करेक्टिव एक्सरसाइज योगा पोस्चर एंड मे इवन रिक्वायर मेडिसिन मेडिकेशन इन सर्व केसेस मतलब कि ये आप इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं मैं मेडिकली डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीट हो सकती आपको ये एक, ये बिल्कुल ट्रीटेड हो सकती है बाई ये योगा एक्सरसाइज या बाई करेक्टिक करेक्टिव एक्सरसाइजेस से और अब अगर केसेस आपके बहुत सीरियस हैं तो यू कैन टेक मेडिसिन ओके और यू डोंट हैव टू डू वेट लिफ्टिंग या परफॉर्मिंग रॉन्ग मूवमेंट इन अर्ली एज हाँ ऑलवेज यू कैन यू हैव टू डू द एक्सरसाइज इन द अंडर ऑब्जर्वेशन ऑब्जरवेशन ऑफ एक्सपर्ट्स हाँ जन ऑफ प्रोफेशनल और फर्स्ट इज कैफोसिस मीन्स राउंड शोल्डर आई होप कि आप सबने सुना होगा कि कुबड़। कुबड़ सभी लोग जानते होंगे दैट इज कैफोसिस कैफोसिस इज ए कंडीशन करैक्टराइज बाई फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द अपर रीजन ऑफ द स्पाइन यू कैन सी ये की कैफोसिस का जो आपका अपर रीजन ऑफ स्पाइन का राउंड हो जाता है तो वो आपका कैफोसिस कहलाता है हंसिंग दिस रिजल्ट इन हंचिंग ऑफ द स्पाइन एंड दिजल्ट अपेयर्स टू द साउंडिंग मतलब कि ये आपका ये हो गया जो जिसको कि आप कूबड़ बोलते हैं ये आपका ये है सिम्टम्स ऑफ काफोसिस इम्पेयर्ड पोस्चर टू फास्ट फेडिकबिलिटी बैक एक डिसऑर्डर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स चेस्ट डिफॉर्मिटीज लिमिटेशन ऑफ द स्पाइनल मोबाइल्टी नेक पेन स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ये आपके कैफोसिस के सारे सिम्टम्स हैं अब रेमेडीज़ क्या है कि आप इसकी रेमेडीज है कि आप अपनी बॉडी पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें सामने देखे चलें या आप वॉक और एक एक्सरसाइज है वॉकिंग बाय बैलेंसिंग अगर बुक ऑन हेड आल्सो आप अपने सर के ऊपर कोई बुक रखें और उसको बैलेंस करके चलें तो ये भी आपकी एक एक्सरसाइज हो सकती है सेकेंड इज लॉड्रोस इज हॉलो बैक मतलब कि आपका जो बैक है उसमें एक आप आगे की जुक जाएंगे उसमें एक होल जैसा हो जाएगा ये हाँ, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हाँ आपका ये जो पोर्शन है बैक का स्पाइन का ये अंदर की ओर थोड़ा सा कुसा हुसा रहेगा ये आपकी हॉ सक, है जिसको कि आप हॉलो बैक बोल सक बोल सकते हैं लॉर्डोसिस करेक्टराइज बाई एक्सेस बैकवर्ड राउंडिंग ऑफ द लोअर रीजन ऑफ द स्पाइन इट ऑल्सो रिफर टू तो अवे बैक ओके okay, ये आप देख सकते हैं इट रेज ड्यू टू द वीकनेस इन द एबडॉमनल मसल्स दिस इज द सिम्टम ऑफ द लाइडोसिस रेमडीज इसकी है एक्सरसाइज आप क्रंच लेक एक्सरसाइज कीजिए योगा पोशम जैसे कि पश्चिमोतान आसन सभी जानते हैं पश्चिमोतान आसन कैसे होता है आप लोग सिटअप्स या फोल्डिंग नी ऑल्सो हेल्प बाय द स्ट्रेचिंग द एब्डोमिनल मसल्स ये आप कर से ये आप कर सकते हैं इसके आप सिम्टम्स देखिए क्या है वायोलेशन ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन मेटाबोलिक डिजीज पेन इन द डिफॉर्म्ड स्पाइन फैटिक कंप्रेशन ऑफ द इंटरनल और इम्पेयर पोस्चर स्ट्रेचिंग द मसल एंड लिगामेंट्स ऑफ द स्पाइन ओके स्टूडेंट ये आपका ये आपका आज का था दिस इज फॉर द टुडे थैंक्स फॉर द क्लास हैव अ नाइस डे